दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही 3 साल बेमिसाल को लेकर सभी लोगों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही शहर में हुए उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा 3 साल पूरा किए जाने को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी गई, तो वहीं महापौर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारियां देने के साथ ही कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर कार्य किए जाने की बातें कही। साथ ही दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छता और सुंदरता को लेकर कोरोना काल की मार झेलने के बाद भी इतने कम समय में नई नई योजनाओं को प्रभावी गति से आगे बढ़ना बताया। प्राथमिकताओं में गौठान भी है, अभी 2 गौठान संचालित है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में हम 2 गौठान और चालू करें, एक पोटिया बुरसी क्षेत्र में और एक उरला के क्षेत्र में। तो शहर के जो हमारे जो पशुधन जो है सुरक्षित स्थान में जा सके। हर सभी कार्यों में लेट लतीफ हुई। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का वित्तीय प्रबंधन इतना अच्छा रहा कि कार्य रुके नहीं, प्रगति पर है। 2 साल हम सब ने कोरोना की महामारी झेली, हर कार्य प्रभावित हुआ। लेट लतीफी की बात नहीं है इसमें, थोड़ा देर जरूर हुआ लेकिन मार्च अप्रैल तक सभी कार्य पूर्णता की ओर आ जाएंगे। आने वाले 2 सालों में मैं जैसे बताया आपको, अभी शहर के बाहरी सड़कों पे अपन चर्चा कर रहे थे, शहर की अंदरूनी सड़कों की लगभग 70-80% राशि की स्वीकृति हो चुकी है। हमारी प्राथमिकता है शहर के सभी तालाबों का सुंदरीकरण करना, हमारी खेलकूद मैदानों का, बच्चों के खेलकूद की सुविधाओं को बढ़ाना, क्योंकि दुर्ग से बहुत सी प्रतिभाएं हमारे देश में नाम रोशन कर रही है। तो हमारा जब एक सड़क धूल मुक्त होगी, गड्ढा मुक्त होगी, तो हम तालाबों के सुंदरीकरण और खेलकूद की तरफ हम लोग इसके और आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे श्रद्धेय बाबूजी को के चरणों में नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय विधायक अरुण वोरा जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे कार्य करने का अवसर दिया। हमारे समस्त वरिष्ठ कांग्रेसजन, हमारे सभी MIC के साथी, पार्षद साथी, हमारे पत्रकार साथी और शहर की जनता, जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया इन 3 सालों में। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने 6 जनवरी को शपथ ग्रहण ली, मार्च से कोरोना महामारी हमारे पूर्व प्रदेश में बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुकी थी, और उस कठिन समय में आप सभी के सहयोग से हमने कोरोना की जंग जीती। पहली, दूसरी और तीसरी लहर को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने आपसी सहयोग से उसको कार्य किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सहयोग के लिए। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।